हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है भरत और आज इस वीडियो के अंदर हम जो है बात करने वाले हैं iOS 16.1 का जो अपडेट है वो आ चुका है। तो लगभग सारे ही फ़ोन्स में जो है आपको iOS का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास है अभी आईफोन 12, तो जिसके अंदर मैं रिव्यू कर रहा हूँ iOS 16.1 का। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस इस बार किए गए हैं। मेजर चेंजेस के बारे में जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं सेटिंग्स में आपको चल करके जो है दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन पर जो है अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16.1 का जो वर्ज़न है वो यहाँ पर अपडेट मैंने कर लिया। लगभग 1 GB से ऊपर का जो है अपडेट था। तो मेजर बग फिक्सेस इस बार किए गए हैं एप्पल की तरफ से, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा बैटरी लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे वीडियो के। पहले जो चेंजेस किए गए हैं सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अब बैटरी परसेंटेज आपको दिखने वाला है, जो कि पहले जो है दिखाई नहीं देता था। तो सबसे पहला चेंज यही किया गया है। अगर आपको ऑन करना है तो सेटिंग्स में जाकर के बैटरी में चले जाइए और बैटरी सेक्शन में यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहीं पर ही आपको जो है अब आपकी बैटरी दिखाई दे जाएगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था जिसको यहाँ पर मिसिंग कर रखा था। लेकिन अब एप्पल जो है दूसरों की सुनता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और इस अपडेट को यहाँ पर दे दिया गया है। अगले चेंज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है होम स्क्रीन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर जब आप टैप करते हो तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के कस्टमाइजेशन इस तरह से दिखाई देते हैं। बाकी साथ में ही यहाँ पर जब आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हो तो दो होम स्क्रीन और एक दूसरी स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो है फ़ोटोज़ और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस को जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो है कस्टमाइजेशन के नए ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो है फीचर्स नए अब आपको होम स्क्रीन पर दे दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं मुझे। सो फ्रेंड्स, अगले चेंज की बात करते हैं, जो कि है आपको थर्ड पार्टी का सपोर्ट मिलने वाला है अब, जो कि आपको पहले नहीं मिलता था। यानी कि जैसे अगर आप कोई भी कैब बुक करते हैं तो वो कैब जो बुक करते हैं उसका जो मैप है वो आपको आपकी डायरेक्टली जो आपकी स्क्रीन है यहाँ पर ही, यानी कि जो होम स्क्रीन होती है, लॉक स्क्रीन जिसको कहते हैं, वहाँ पर शो हो जाया करेगा। तो जो भी एप्लीकेशन इस तरह के फ़ीचर्स को सपोर्ट करेगी एप्पल में जो है वो आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर एक मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। जैसे आप टाइमर जो है अपने क्लॉक के अंदर जा कर के स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपकी लॉक स्क्रीन के ऊपर जो है ये दिखाई दे जाएगा। तो ये मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर दिया गया है। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस का सपोर्ट जो है आपको इसके थ्रू अब मिलने वाला है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है कैमरा क्वालिटी। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पहले से माइनर चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे आपको। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस के अंदर जो है मुझे लगता है पहले से थोड़ा बहुत आपको जो है चेंज देखने को मिलने वाला है। मैं 2-4 सैम्पल्स आपको दिखाता हूँ तो आपको भी जो है आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस के अंदर जो है थोड़ी फ़ोटोज़ क्लिक की है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो कि किस तरह की जो है डिटेल्स को ये कैप्चर कर रहा है। तो उसमें मुझे जो है इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। कैमरा क्वालिटी में जो नॉइस लेवल है वो पहले से काफ़ी कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि डिटेल्स डेफिनेटली जो है पहले से इम्प्रूव होती हुई मुझे दिखाई दी है। और जो मैंने पिछली बार बताया था कि थोड़ा सा जो है पोर्ट्रेट लेंस जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो उसमें भी जो है एज डिटेक्शन में भी काम किया गया है। तो वो चीज़ डेफिनेटली इम्प्रूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो कैमरा क्वालिटी में जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी उस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में टेस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊँगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है मल्टीटास्किंग। तो क्या मल्टीटास्किंग में कोई भी इम्प्रूवमेंट किया गया है? तो यहाँ पर जो है 10 एप्लीकेशंस को जो है मैं ओपन करके देखता हूँ। सबसे पहले सारी ही बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को मैंने हटा दिया है। तो अब जो है रन करते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट। तो यहाँ पर जो है 10 एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस को जो है ये बैकग्राउंड में रख पाता है। तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ ऐप स्टोर को ओपन कर लिया है, सेटिंग्स को ओपन कर लिया है मैंने। इसके अलावा यहाँ पर जो है अमेज़न ऐप को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो रेस्पॉन्स जो है काफ़ी फास्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी अच्छा जो है रेस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर फेसबुक को जो है मैंने ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर ये ओपन कर लिया है। फ्लिपकार्ट को जो है मैंने ओपन कर लिया है, तो ये सारी एप्लीकेशन जो है मैंने ओपन करी है। रीसो ऐप को जो है मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो अब जो है चेक करते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस को जो है ये बैकग्राउंड में रख पाता है। तो यहाँ से जो है सबसे पहले ओपन करते हैं हम वेदर ऐप।
तो वेदर ऐप एज इट इज़ जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। उसके बाद ओपन करते हैं यहाँ पर फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ ऐप जो है यहाँ पर एज इट इज़ ओपन हो गई है। और इसके अलावा यहाँ पर कैलेंडर, तो कैलेंडर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, एज इट इज़ वहीं से ओपन हुई है। ऐप स्टोर को भी जो है इसने बैकग्राउंड में रख लिया है। इसके अलावा अमेज़न ऐप, वो भी वहीं से ही ओपन हुई है। इसके अलावा यहाँ पर जो है फ़्लिपकार्ट को ओपन किया मैंने, तो फ़्लिपकार्ट भी जो है वहीं से ओपन हुआ है। तो मेजरली जो जितनी भी छोटी छोटी एप्लीकेशन है सबको जो है ये रख लेता है। डे टू डे आप जो भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो सभी को जो है ये रख लेता है, कोई भी उसमें दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस को जो है ये काफ़ी फास्ट स्पीड से ओपन कर रहा है। तो पहले से स्पीड भी जो है इम्प्रूव होती हुई दिखाई दी है, और यहाँ पर जो है मल्टीटास्किंग भी पहले से इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ कैसी मिल रही है? तो अभी तक तो मुझे एक ही दिन हुआ है यूज़ करते हुए, और इसका जो है बैटरी टेस्ट मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो चैनल के ऊपर आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। चैनल अगर आपको मेरा पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। और इसका जो बैटरी टेस्ट है 2 से 3 दिन में जो है आपको देखने को मिल जाएगा एक डिटेल में, और बाकी सारे फ़ोन से भी जो है मैं कंपेयर करूँगा इसको, तो आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि iOS का जो अपडेट है वो कैसा है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, उससे आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अभी तक मुझे कोई मेजर बग फिक्सेस देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि जो बग फिक्सेस हैं डेफिनेटली हुए हैं, लेकिन जो पहले की जो ग्लिचेस थी उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है काम किया गया है। यहाँ पर मुझे डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है। पहले मुझे जो है टच रेस्पॉन्स में भी थोड़ा डिले देखने को मिल रहा था, उसमें भी काम किया गया है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। तो वैसे तो आप अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो है मेरा बैटरी टेस्ट देखना चाहते हो तो उसको देख करके आपको ज़्यादा अच्छे से जो है आइडिया हो जाएगा कि आपको इस फ़ोन को जो है अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। सो आई होप आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।